Friends, today will we will learn about the chapter 8 shape you already learn in the class third okay open figure and close figure yes students okay now in this chapter we learn again the open figures close figures polygons lines line segments ray point uh, 3d shape 2d shape whatever okay so now टूडे वी स्टार्ट लेटेस्ट लुक बैक ऑन द इम्पोर्टेंट जोमेट्रिकल टर्म्स ओके ओके यस फर्स्ट इट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस ओके ऑन अ प्लेन सरफेस इट इज डोनेटेड बाय अ डॉट ओके एंड इट इज नेम्स यूजिंग अ कैपिटल लेटर जो पॉइंट है इसको हम प्लेन सरफेस में लोकेट uh, करते हैं ओके okay? और इसको हम डॉट्स को डिनोट करते हैं ओके प्लेन सरफेस में ठीक है और इसको हम किसी भी कैपिटल लेटर से उसको नेमिंग करते हैं ओके वी गिव इन द कैपिटल लेटर ओके वट एवर कुछ भी अपन उसको नेमिंग दे सकते हैं ओके हेयर गिवेन द सी ओके सेकेंड इज लाइन लाइन इज द स्ट्रेट पाथ ऑन अ प्लेन सरफेस ओके स्ट्रेट पाथ मतलब एक सीधी लाइन रहती है ठीक है विच एक्सटेंड एंड इज ली इन बोथ डायरेक्शन तो ओके एंड हैज नो एंड पॉइंट मीन्स दोनों साइड दोनों दिशाओं में यह है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है ओके और ये मतलब जो होती है बोर्ड डायरेक्शन में होती है ठीक है दो डायरेक्शन में होती है और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है और ये प्लेन सरफेस में ही होती है फिर थर्ड इज द लाइन सेजमेंट लाइन सेजमेंट हेयर इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन ये क्या है लाइन सेजमेंट जो होती है ये लाइन का ही एक पार्ट होता है बट लाइन को एंडिंग पॉइंट नहीं होती है इसलिए अपन उसको यहाँ पे क्या करते हैं दोनों साइड में बोथ साइड भी पुट द एरो बिकॉज इन लाइन नॉट नॉट हैज द एंड पॉइंट ओके इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं रहता इसलिए हम यहाँ पे एरो पुट करते हैं बट इन लाइन सेजमेंट है एंड पॉइंट ओके हेयर इज एट द एंड पॉइंट यहाँ पे एंड पॉइंट रहता है इसलिए हम यहाँ पे डॉट पुट करते हैं इट इज अ लाइन दैट हैज द फिक्सड लेंथ इसकी एक लेंथ एक होती है फिक्सड लेंथ होती है जिसको अपन मेजर कर सकते हैं ओके okay? एंड Has two fixed end point और इसके दो फिक्स एंड पॉइंट होते हैं ठीक है जिसको हम नेमिंग करते हैं अल्फाबेट से कैपिटल अल्फाबेट से ओके नाउ लास्ट रे रे इज द वन साइड ओके इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइन यह भी एक लाइन का ही पार्ट है दैट एक्सटेंड एंड इस वन डायरेक्शन ये एक साइड में ही जाती है और एक साइड में वो एंड मतलब एक साइड स्टार्ट होती है और एक साइड में उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर एंडिंग पॉइंट नहीं होता है ओके डायरेक्शन वन फिक्स्ड एंड पॉइंट ओके रे में वन फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है लाइन में टू फिक्सड एंड पॉइंट होते हैं और लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है ओके ओके Now start the second uh, two dimensional figure and three dimensional figure. Okay, two dimensional figure have only length and breadth. Two dimensional फिगर्स में लेंथ और ब्रेथ होती है बट नो थिकनेस उसकी मोटाई नहीं होती है ठीक है टू dimensional फिगर्स में ओनली लेंथ और ब्रेथ होती है और उसकी मोटाई नहीं होती है ठीक है नो थिकनेस बट थ्री डायमेंशनल फिगर हैव लेंथ ब्रेथ एज वेल एज हाइट थिकनेस मीन्स जो थ्री डायमेंशनल शेप होती है उसकी लेंथ भी होती है उसकी ब्रेथ भी होती है लंबाई भी होती है चौड़ाई भी होती है और उसकी हाइट ऊंचाई यानी थिकनेस भी होती है ठीक है ये देखिए ये इसकी ये थिकनेस ही है ओके okay? है ना सो हेयर इज द टू डी फिगर्स और हेयर इज थ्री डी फिगर्स ओके 2D figures, circle, rectangle, oval, square, and triangle Okay. And here 3D figure, 3D figure, cube, cuboid, sphere, cylinder, and cone. Okay, students? Okay. Now this figure you draw in your mass copy. Okay. Firstly, you write note down in the definition of point ray. line, line segment, then after you draw the 2D and 3D figure, okay? and okay and your turn identify the following figure, color then and fill in the blanks, okay? ये आपको figures already given there and आपको ये find out करना है, पहचानना है और इसके आपको side, vertex and name आपको यहाँ पे लिखने हैं, okay? सो फर्स्ट फिगर इज रेक्टेंगल ओके फर्स्ट फिगर इज रेक्टेंगल नंबर ऑफ साइड फोर वन टू थ्री फोर नंबर ऑफ वर्ड इज फोर वन टू थ्री फोर ओके इट इज द साइड वाई बिकॉज ज्वाइन द टू पॉइंट ओके जब एक साइड दो पॉइंट को ज्वाइन करती है तो उसको क्या बोलते हैं साइड बोलते हैं या एजेस बोलते हैं ओके और जब दो लाइंस किसी एक पॉइंट्स में मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं वर्टेक्स या कॉर्नर बोलते हैं ओके okay? आपने कॉर्नर पढ़ा होगा थर्ड क्लास में सो नाउ इट इज कॉल द कॉर्नर या वर्टेक्स एंड इट इज कॉल्ड द साइड वन टू थ्री एंड फोर साइड एंड वन टू थ्री फोर वर्टिसेस ओके नाउ सेकेंड नेम नेम इज यस यू नो सर्कल यस इट इज सर्कल सो नंबर ऑफ साइड जीरो ओके नो साइड नो वर्टिसेस इसके कोई वर्टिस नहीं होते नो साइड ओके थर्ड वन सी ओकेट इज दिस क्यूबाइड ओके इट इज द क्यूबाइड वाई बिकॉज बिकॉज इन क्यूबाइड हैव देंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑल्सो हाइट ऑल्सो ओके सो नाउ इट इज कॉल्ड द

ये और आपका ये क्या हो जाएगा फोर वन टू थ्री फोर वर्टिस वन टू थ्री फोर वर्टिस एंड सिक्स सरफेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके ओके नाउ डी व्हाट इज दिस इट इज सिलेंडर यस इट इज द सिलेंडर ओके नाउ नंबर ऑफ सरफेस थ्री ओके नंबर ऑफ सरफेस थ्री वन

आपको ये बताने हैं ये कौन से थ्री डी सेप है और आपको राइट योर नेम ऑल्सो फर्स्ट वन यस बिकॉज हेयर थिकनेस ऑल्सो हेयर सो दैट कॉल द क्यूबाइट ओके दैट इज कॉल्ड द क्यूबाइट ओके एंड सेकेंड वन कोन ओके एंड थर्ड वन थर्ड वन सिलेंडर यस इट इज सिलेंडर ओके ओके नाउ Complete the your turn page number 122. So, now, students, uh, in your mass copy, complete the definitions, okay, 2D and 3D shapes, okay, and then draw these figures and note down this one, okay. Then, after we start the next exercise, okay.